बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ जो अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये जिस दिन बादल हो रहे थे, बारिश हो रही थी, तो ये उस दिन की वीडियो लेट हो गई क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। शादी जो है बहुत ज़्यादा करीब है और काम भी और बहुत है, अभी भी इतने काम है करने को, काम की बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो वीडियो एडिट करने का, रिकॉर्डिंग करने का जो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और आज जो है हम बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के बैठे हैं, तो हम जो है एक साथ 3 वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ और अभी जो है ये 3 वीडियो कंप्लीट होंगी, तो चौथी वीडियो जो है मुझे एडिट करनी है ताकि मैं टाइम पर जो जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। और टेंशन भी बहुत है कि इतने सारे काम है और टाइम इतना कम रह गया है, इतने सारे काम भी अभी हैं करने को। तो खैर, यहाँ जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के कबाब, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था कबाब बनाने को। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ आलू और बीफ के कबाब। तो यहाँ मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है, इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, कुटी हुई मिर्ची, पिसी हुई काली मिर्ची, नमक ये शामिल करा है इसमें मैंने, और इसमें मेरे पिसी हुई मिर्ची भी शामिल करी है। अब मैं इसमें बीफ का रेशा शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। और यहाँ जो है हमारा नाश्ता तैयार हो गया है और हम सब मिलके जो है यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। दोपहर का टाइम, तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो अम्मी ने उनको कहा कि उनके हाथ के दही बड़े खाने थे अम्मी को, तो वो दही बड़े बना रही हैं और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मज़ेदार से दही बड़े तैयार हो गए हैं और चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हो रहा है यहाँ पे रात का टाइम और आज है मेरी सिस्टर की बर्थडे, तो यहाँ मैं बना रही हूँ टिक्का बिरयानी। पहले तो हम लोग दोनों सिस्टर सोचती रही कि क्या करें, बाहर से ऑर्डर करें या घर में बनाएं, फिर हमने सोचा कि उनको टिक्का बिरयानी पसंद है, तो मैं टिक्का बिरयानी बना रही हूँ। पहले
तो सिस्टर कह रही थी कि ना बाहर से मंगा लेते हैं, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि उन्हें टिक्का बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर हमने कहा कि उनके लिए टिक्का बिरयानी बना लेते हैं और केक जो है ऑर्डर कर दिया है। और वो भी हम लोगों को इसी तरह सरप्राइज़ देती रहती हैं, तो हमने सोचा हम भी उनको सरप्राइज़ दें। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम क्या बना रहे हैं उनके लिए। और मैक्रोनी भी बनाई थी आप ही ने, मैक्रोनी भी पसंद है उन्हें। तो इसकी स्टोरी ये है कि एक जो है हम तीनों ने जो बर्थडे प्लान किया था, तो एक हमने मंगवाया था, एक मेरे बड़े भाई लेकर आ गए थे और तीसरा केक जो है आप ही के हस्बैंड लेकर आ गए थे, तो ऐसे करके तीन केक हो गए। जो है हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमने बहुत इंजॉय किया। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।